आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में सभी वर्गों को साधने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से करी जा रही है। ये वर्ग जात के आधार पर, ये वर्ग धर्म के आधार पर नापे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग करते आया है, जो लगातार सरकार में और सरकार के साथ विपक्ष में मजबूत दावेदारी पेश करते आया है, और वो वर्ग है वकीलों का। इस वक्त मैं लखनऊ की सिविल कोर्ट में हूं और जिस तरह से देखने को मिलेगा कि यहां पर जो वकील हैं हम उनसे बात करेंगे कि लखनऊ की जो प्रमुख विधानसभा सीटें हैं या उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख विधानसभा सीटें हैं या ओवरऑल 403 विधानसभा सीटें हैं, समीकरण क्या बन रहा है। हम बात करेंगे लखनऊ की मध्य सीट का, क्योंकि लखनऊ की मध्य सीट वो सीट है जहाँ से मौजूदा सरकार में मंत्री हैं बृजेश पाठक, वो खुद विधायक हैं, वो अधिवक्ता भी हैं। तो ऐसे में जान लेना ज़रूरी है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, ये जान लेना ज़रूरी है कि उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए काम कितना किया, ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर 5 साल एक बार फिर से उन्हें मौका मिलता है तो क्या तस्वीर बदलेगी अधिवक्ताओं की। ये जानने के लिए हम कचहरी खुद आए हुए हैं और यहाँ पर हम अधिवक्ताओं से ही बात करेंगे, वकीलों से ही बात करेंगे और जानेंगे, पूछेंगे, समझेंगे कि भैया आगे क्या होना है, क्या ढूंढ रहे हैं वो लोग अपने प्रत्याशी, अपने विधायक के रूप में किसे तलाश रहे हैं, तलाश पूरी हुई या नहीं हुई, क्या मौजूदा विधायक से वो खुश हैं या नहीं है, या फिर कुछ नया इस बार चुनने की तैयारी में ये वकील हैं। तो आइए कुछ वकीलों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माहौल है। वकील साहब, मैं प्राइम टीवी से हूँ और आज मैं निकला हूँ जानने के लिए कि लखनऊ मध्य सीट पर क्या समीकरण है, क्योंकि मौजूदा वहाँ से विधायक हैं बृजेश पाठक जो कि अधिवक्ता भी हैं, और इसी वजह से मैं अधिवक्ताओं के बीच में आया हूँ जानने के लिए कि आखिर माहौल क्या है, क्या उनको मौका दिया जाएगा या कुछ नया ताज़ा कुछ अलग आप लोग पका रहे हैं, कुछ और रणनीति आप लोग के मन में चल रही है। लेकिन उन सबको जानने से पहले ये जानूंगा कि अधिवक्ताओं की समस्याएं क्या हैं, क्या उन समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं। जी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट ये बनी हुई है 2017 में, उसके बाद से अधिवक्ताओं की हालत और ख़राब होती चली गई। ये सरकार जब से बनी है, कानून मंत्री बृजेश पाठक जी इसी क्षेत्र से हैं, विधायक भी हैं, है ना, 2 साल तक 3 साल शायद हो गए हैं, KGMC जाने वाली रोड पूरे 3 साल तक ऐसे ही खुदी रही। कोरोना काल में लोग आए, एम्बुलेंस आई, फंस गई, अधिवक्ता भाई फंसा रहा, अधिवक्ता को एक बार शायद गोली लग गई थी, कोई चीज़ हो गई थी यहाँ पे सेंट्रल बार में, उसके बाद इतना जाम लगा हुआ था कि एम्बुलेंस से हम लोग उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा पाए रोड खुदी होने की वजह से। यहाँ पर ना अधिवक्ता के लिए और ना आम जनता के लिए यहाँ के विधायक ने कोई भी काम नहीं किया। क्या नया कोई ऑप्शन आप लोग तलाश रहे हैं, कोई और नया चेहरा आप लोग के दिमाग में इस वक्त बना हुआ है, किसी और को इस बार वोट देना है, या फिर से एक बार मौका दे के देख लिया जाए कि चलो शायद इस बार जो भूला बिसरा है उसको सही करके इस बार काम करेंगे पाठक जी? देखिए, अधिवक्ता कोरोना काल के बाद और गरीब हो गया है, 50% से ज़्यादा अधिवक्ताओं ने काम छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी है इन्होंने, अधिवक्ताओं के कमाने, रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें रजिस्ट्री, स्टाम्प पेपर सब ऑनलाइन कर दिए हैं, अधिवक्ताओं का आधा काम ही छूट गया यहाँ से। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत काम बचे भी थे उसको भी पुलिस द्वारा मैनेज किया जा रहा है ना, पुलिस एकदम गुंडा हो गई है, गुंडा राज चल रहा है, ना अधिवक्ता की बात सुनी जा रही, ना अधिवक्ता वहाँ जाके काम करवा पा रहा है, थाने में जाते हैं तो अधिवक्ताओं को मारपीट के भगा दिया जा रहा है, इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं। पिछली विधानसभा सीट से क्या लगता है कि इस बार फिर से बृजेश पाठक जीत जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा कि अब वो जीतेंगे। क्या कौन ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप भी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, बृजेश पाठक भी वकील हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं हो सकता, तो क्या कोई नया चेहरा है, क्योंकि आज कांग्रेस ने वहां से सदर जफर को प्रत्याशी बना दिया है, क्या महिलाओं पर भरोसा करने वाले हैं या कुछ नया है दिमाग में? नहीं, नया दिमाग में हम लोग ये चल रहा है कि जो बृजेश पाठक ने पिछले 5 साल में जो भी यहाँ मंत्री रहे हैं, 3 साल में जो भी रहे हैं, उन्होंने अधिवक्ताओं को एक दरकिनार करते हुए काम किए हैं,
जबकि वो खुद एक अधिवक्ता था, लेकिन अधिवक्ताओं के दर्द को ना समझते हुए वो अपने हिसाब से राजनीति करते रहे। और वर्तमान में हम वकील का दर्द एक वकील ही समझ सकता है, जैसा मुझे लगता है। तो कौन है, कोई है क्या ऐसा कोई वकील का दर्द, क्योंकि मैंने आपकी बात पकड़ लिया, कोई वकील है जिसको आप लोग तलाश रहे हैं और उस वकील को लेकर के आप लोगों ने रणनीतियां बना ली? हमें लगता है वर्तमान में जो हमारे यहाँ वकील के एक प्रिय अधिवक्ता हैं, जो कि वकीलों के हित में आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जबकि किसी पद पे नहीं थे, वो वकील के परिसर में, कचहरी परिसर में ही वकीलों के लिए काम करते रहे हैं, और आज वो वकीलों के दर्द को एक बड़े स्तर। कौन है, नाम तो बताइए। माननीय जितेंद्र यादव, जीतू भैया। अच्छा, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, जीतू यादव समाजवादी पार्टी से? जी हाँ। आपको उम्मीदें हैं उनसे कि इस बार जीतू यादव अगर आएंगे तो सब कुछ वकीलों के लिए बेहतर हो जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है और पूरा भरोसा है जीतू भैया आएंगे और हम लोगों के जो है जो दुख दर्द तकलीफ है उनको समझेंगे और हम लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और वकीलों से बात करेंगे। जगह जगह पर वकील इकट्ठा है, कचहरी है ये, और जैसा कि अभी बात हुई है तो इन साफ तौर पर वकीलों ने कहा है कि मौजूदा सरकार से या मौजूदा नेतृत्व से, जो लखनऊ मध्य का नेतृत्व कर रहे हैं बृजेश पाठक, उनसे खुश नहीं है। कारण क्या है? कारण तो यही लोग बता सकते हैं कि क्या कारण है। कारण हालांकि बताया भी है कि वकीलों के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ, वकीलों की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ, कई सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई हैं। कुछ और युवा वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, युवाओं का ज़माना है, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए सब कुछ हम लोग ने किया है, बेहतर किया है, रोज़गार दिया है, सारी चीज़ें बेहतर कर दी हैं। अभी तो सरकार मैं लखनऊ मध्य के बारे में पूछूंगा आपसे, लखनऊ मध्य में युवाओं के लिए कितना बेहतर हुआ, क्योंकि आप सब युवा हैं, चकाचक एकदम वकील, नया कोट पैंट सब पहन के आए हुए हो आप लोग। मौजूदा विधायक से उम्मीद है कि आगे फिर से जीतते हैं तो कुछ बेहतर और होएगा? मौजूदा विधायक ने आज जिन्हें करीब कुछ साल पहले कहा था कि जिन्हें जो युवा विधायक, जो युवा एडवोकेट अधिवक्ता होंगे उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा प्रतिमा, आज तक उनकी स्कीम अभी खोखली रह गई है, अभी उन्होंने उस स्कीम पर कुछ काम नहीं किया। आप इस पर विश्वास करें कि आगे वो कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार, क्या कोई नया चेहरा है? क्योंकि कांग्रेस ने सदर जफर को बताया और अभी मैं आपके बाकी साथियों से भी कुछ पूछ रहा था तो उन्होंने जीतू यादव का नाम लिया, जितेंद्र सिंह यादव जीतू, जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उम्मीद भी है कि शायद उन्हें मध्य से इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो क्या वो अधिवक्ता हैं, वो आप लोग की दर्द और समस्या समझते हैं? अगर वो देखिए, जो टिकट जो जीतू यादव जी हैं, वो देखिए पहले किस पार्टी से हमारे, इससे हमारे लिए महत्व नहीं है, वो हमारे बार के महामंत्री हैं, हम जैसे युवाओं की बहुत मदद करते हैं, हम लोग नए युवा हैं, नई पीढ़ी में हम लोग आए हैं, जब हम लोग बात कचहरी में आए तो जो ऐसे हमारे बार के पदाधिकारी हैं, हम युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया हम लोगों को, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि अगर उन्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा तो हम सारे अधिवक्ता, उनका परिवार, हम लोग मिल के जुल के बढ़ चढ़ कर विधानसभा में हिस्सा लेंगे। और इस विधानसभा में आप भी इनकी बातों से सहमत है? और इस विधानसभा में लगभग 60,000 वकील के परिवार है। 60,000 वकील? नहीं नहीं, वकील है तो उनका परिवार है, सब कुछ है, काफी उनका परिवार है। 60,000 अधिवक्ताओं के 60,000 इस विधानसभा में सिर्फ 60 वोट हैं, इसी के बदौलत पिछली बार 60,000 वोट जो है जीतू यादव चुकी जाएगा। पिछली बार इसी यही निर्णायक वोट थे, पिछली बार यही निर्णायक वोट थे जिससे बृजेश पाठक यहाँ से जीत के मंत्री बने, और दोबारा इस जितने भी वोट थे, जितने वोटर थे, सबको भूल गए। ये तो भैया बड़ी भयंकर वाली लहर है, क्योंकि 60,000 वोट अगर एक तरफा गिर जाएगा वकीलों के या वकीलों के परिवार का, जीतू यादव को, तो सब समीकरण जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे। बृजेश पाठक यहाँ से मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया भी है, लेकिन कचहरी में इस वक्त में मौजूद और कचहरी के हालात पर और कचहरी के वकीलों से ही बात करी जा रही है और ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि क्या मौजूदा जो नेतृत्व है उस नेतृत्व से ये वकील खुश हैं या नहीं है, या कुछ नया तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आइए आगे चलते हैं, कचहरी है, काला कोट है, यहाँ पे थोड़ा डर के भी रहना है और जानना भी है कि नतीजा क्या है। चुनाव है भाई, माहौल चुनावी है हर जगह पे, और जब कचहरी का चुनाव होता है तो आप जानते हैं कि कितना कुछ होता है। ये तो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में वकील बहुत अहम बताए जाते हैं और कई सारे ऐसे जो वकील हैं वो वकील भी अपना निर्णय बताते हैं। वकील तय कर देता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मंडली यहाँ पर लगी हुई है, चैम्बर है, सब वकील भाई यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब, मैं यहाँ पूछने आया था कि मध्य विधानसभा का समीकरण क्या है। बृजेश पाठक यहाँ से मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, अधिवक्ता हैं, कांग्रेस ने आज महिला प्रत्याशी के रूप में सदर जफर को उतार दिया है, इन दोनों में मेल आपको लगता है कि बेहतर होएगा या बृजेश पाठक को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, या पाठक जी ने कुछ काम जो नहीं किए हैं वो काम अब बेहतर कर देंगे वो?
देखिए ब्रजेश पाठक जी जो हैं अधिवक्ता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन उनकी कहीं चली नहीं पाँच साल। उन्होंने खुद अपना दुख जो है कोरोना में जाहिर किया। मतलब भाजपा ने किसी भी मंत्री को जो है एकदम तटपुंजी रखा, मतलब किसी को कोई काम नहीं होने दिया। और यहाँ जो है समाजवादी की लहर चल रही है इस टाइम। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग लहर के बारे में मैंने वहाँ बात हुई थी, आपके कुछ साथी वहाँ पे मौजूद थे तो बता रहे थे कि लहर इस तरह चल रही है कि करीब 60,000 परिवार है वकीलों का और वो एक तरफा जा रहा है जीतू यादव को, सच्चाई है? तो जीतू यादव जी देखिए डायल हंड्रेड हैं। अच्छा, वहाँ मंत्री हैं। ऐसे डायल हंड्रेड का है कि डायल हंड्रेड क्यों क्यों कहते हैं? अधिवक्ताओं के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। आप 4 बजे रात को फोन करेंगे तो अधिवक्ताओं के लिए दुख सुख के लिए खड़े रहेंगे। कोरोना में भी उन्होंने बहुत मदद की, बहुत काम किया है, तो इसलिए उनको डायल हंड्रेड कहा जाता है। यूं ही थोड़ी किसी को डायल हंड्रेड। आप सहमत हैं इनकी बात? जी, अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है। हाँ। कोरोना में लग रहा है इस बार नेतृत्व जो है लखनऊ मत का वो बदल जाएगा। अच्छा, आप बताइए क्या बदल जाएगा नेतृत्व? किसका नेतृत्व, किस तरह का बदलाव की बात? मैं मध्य की बात कर रहा हूँ, लखनऊ मध्य में मौजूदा विधायक के रिपोर्ट कार्ड पर बात हो रही है और बात हो रही है कि जीतू यादव को यहाँ पर करीब 60,000 परिवार वकीलों का जो है वो सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट कर रहा है, आंख बंद करके कर रहा है। अच्छा। जीतू यादव को साथ साथ में पार्टी को कर रहा है। अच्छा। जीतू यादव तो सापा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम सापा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लाजमी है कि जीतू यादव जीतेंगे। ये तो भाई बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जहां बीजेपी कह रही है कि हम 325, 340, 350 जीत जाएंगे, वहां लखनऊ राजधानी में इस तरह का माहौल है जहां पर बताया जा रहा है कि एक तरफा लहर है जीतू यादव की, जीतू यादव निकाल ले जाएंगे सीट। भाई साहब यादव ना कहिए, आप बार बार ये कहिए। नहीं नहीं, मैं अधिवक्ताओं की बात कर रहा था। मैं अधिवक्ताओं की बात कर रहा था तो अधिवक्ता जीतू के साथ है, तीनों बार के अधिवक्ता जीतू के साथ है। क्यों उन लोगों ने कहा? क्योंकि मेरे को रीजन आप लोग बखूबी समझ रहे हैं कि जीतू यादव को आप इस ठंडक में रात में 3 बजे फोन करेंगे, जीतू यादव अपने घर से निकल के आता है बिना कोई लालच के। उसको पैसे रुपए से नहीं मतलब, वो कहता मैं जब तक जिंदा हूँ मैं समाज की सेवा करूंगा, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे ना हो। तो ऐसे आदमी की जरूरत है ना, ना कि उस आदमी की जरूरत है जो अपने घर में बैठा हुआ घर में। ये जो मौजूदा विधायक हैं भी तो बताते हैं कि मैंने बहुत काम किया। वो कहाँ पे बताते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता है। सर समाचार में उनका जो है काम हुआ है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। और जीतू यादव जी तो अधिवक्ताओं के तो ही है और बाकी समाज के लोगों के भी हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी हैं, तो इसलिए जीतू यादव को कोई नहीं रोक पाएगा। और समाज बात का जवाब दे रहे हैं कि मौजूदा विधायक जो है वो कहते हैं मैंने बहुत काम कराया। मैं किस कलर का कोट पहने हूँ? काला दिख रहा है ना, उनका काम दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। अब वो वर्बल स्टेटमेंट में बता रहे हो गया तो ठीक है, हो गया, उनकी सरकार है, वो कह रहे माना जा रहा है। तो ये वकीलों से हमने बात की है और साफ तौर पर जो समीकरण बताए जा रहे हैं, जो नतीजे यहाँ पर जिस तरह से वकील भाइयों ने बताया है कि मौजूदा विधायक से वो खुश नहीं है, लेकिन एक लहर के बारे में उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की लहर है। वकील चाहता है कि इस बार इन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति नेतृत्व संभाले लखनऊ मध्य का, और वो नेतृत्व के रूप में नाम भी लगभग इन लोगों ने तय किया है जीतू यादव के रूप में, कि जितेंद्र सिंह यादव जीतू इस बार लखनऊ मध्य से विधायक अगर चुने जाएंगे तो अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण होएगा। इसी तरह से हम अलग अलग वर्गों पर चर्चा करेंगे, युवाओं पर चर्चा करेंगे, महिलाओं पर चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में कौन सा नेतृत्व है, किसके लिए वो चाहते हैं कि वो विधायक बने और वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल तेज़ हो गई है। वहीं जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने को लेकर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं काफ़ी उठापटक भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आखिर 2022 के चुनाव में क्या है सरोजनी नगर विधानसभा सीट का चुनावी माहौल। क्या नाम है? इरफान अली। 2022 में चुनाव होने हैं और लगभग एक महीना बाकी रह गया है, और जैसा कि अभी देखा गया है कि जो सरोजनी नगर विधानसभा सीट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो विधायिका है वो यहाँ पर है, तो बीते 5 सालों में
क्या कुछ उनके काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जो भी विधायक रहे हैं बीते 5 सालों में, उनको उन्होंने तो कोई से इलाके में कोई विकास का कार्य किया नहीं, और ना ही उनसे उम्मीद है। और जिस तरह से कोरोना काल में अव्यवस्था देखने को मिली, तमाम तरह की कमियां देखने को मिली, गैस की हो या मेडिकल की हो या बेड की हो, किसी में तो कामयाबी मिली नहीं और ना ही कोई विकास का कार्य हुआ। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त समाजवादी को मौका मिलना चाहिए और उसकी सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, उसमें माफिया राज काफ़ी बढ़ जाता है, और उत्तर प्रदेश योगी सरकार में काफ़ी माफियाओं पर शिकंजा कसा गया और कानून व्यवस्था काफ़ी ठीक हो गई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार में आने के बाद जो माफियाओं का राज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कैसे देखते हैं? ये तो ऐसा तो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की बातें हैं, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। समाजवादी सरकार में भी सबको समान अधिकार मिला, सबको सम्मान मिला, और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो इस बार अच्छा कार्य करेंगे, और हमारे हिसाब से तो उनको मौका मिलना चाहिए। और बीजेपी कथनी और करनी में फ़र्क तो है, साफ दिखता है। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया, अभी तक तो किसी को रोज़गार मिला नहीं, केवल वादा ही वादा है। उसके अलावा तो क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। जिस तरह से अभी एक ही महीना बाकी रह गया, तारीखों की चुनावी तारीखों की भी घोषणा हो गई है और चुनाव होना तय है, और सरोजनी नगर विधानसभा में क्या कुछ विकास पीछे बीते 5 सालों में आपको दिखा? विकास से तो बड़ा अधूरा रहा सरोजनी नगर, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। हमें इससे पहले मंत्री जी रहे शारदा जी, उन्होंने विकास किया यहाँ। आपकी स्वाति सिंह जी तो दिखाई नहीं पड़ती, शारदा जी के ज़माने में तो बड़ा सी पेट इधर उधर बहुत विकास हुआ। जैसा कि कहा जा रहा है इन 5 सालों में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो महंगाई को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है जिंदगी? महंगाई के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग सिलेंडर का देख लीजिए 1000 रुपये हो रहा, पेट्रोल 100 रुपये हो रहा, तो आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन। तो 2022 में क्या सरोजनी नगर की जनता बदलाव चाहती है, किसे चुनना चाहेगी? सर बदलाव तो चाह रही है, अब देखिए किसको चुनती है। क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? अभी तो अखिलेश की वजह से वो है, अब देखिए आगे क्या होता है। जैसा कि लोगों का साफ तौर से ये कहना है, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है, जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष ज़रूर है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो काफ़ी यहाँ पर नहीं आती हैं, और तमाम विकास को लेकर तमाम लोगों में नाराज़गी है, और लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है उनका चुनावी मूड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। जिस तरह से अब चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, और अब प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो क्या लगता है इस बार 2022 में कौन सरकार बना रहा है? इस बार 2022 में तो हमारे हिसाब से इस बार कांग्रेस को ही सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बाद से बीजेपी को, बसपा को भी देखा गया, सपा को भी देखा गया, बीजेपी को भी बारी बारी में देखा गया, ये सभी पार्टियाँ सिर्फ अपना ही देखती रही, जनता की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, स्कूल कॉलेज, किसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आज से लगभग 30 साल पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो सुकून था, हर तरीके से आप फैसिलिटी थी, वो सब वापस अगर चाहिए तो हमारे हिसाब से अब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती नज़र आती है कि जब चुनाव आते हैं तब जो गांधी परिवार है उनको उत्तर प्रदेश नज़र आता है, इसके बाद चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या लगता है राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, वो लोगों के बीच में आएंगे और उन समस्याओं को, जो लोगों की समस्या है, उनको करीबी से समझेंगे? देखिए, अभी बीजेपी के गवर्नमेंट से पहले केंद्र में 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार रही, और उस टाइम पर पेट्रोल की कीमत कितनी थी सबको पता है, गैस की कीमत थी सबको पता है, महंगाई कितनी कम थी ये सबको पता है। ये तो बीजेपी खाली ढिंढोरा पीटती है, और गांधीवाद का सिर्फ जो है ये ढिंढोरा पीटती है, गांधीवाद का कोई मामला नहीं है। और राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ये सबको साथ लेके चलना पसंद करती हैं और सबको साथ लेके चलती हैं। जिस तरह से देखिए लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लोगों में, जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार जो महिला प्रत्याशियों को भागीदारी है वो बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी इस बार विकल्प हो सकती है, लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से 2022 में वो वोटिंग करने वाले हैं और उनका क्या है चुनावी मूड।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव। जिस तरह से ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायिका हैं भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी हैं, पिछले 5 सालों में उनके कामों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ, किस तरह से आप देखते हैं सरोजनी नगर के विकास कार्यों को? सरोजनी नगर में पिछले 5 सालों में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं। ये कोरोना काल, दुनिया भर की बीमारी, महंगाई, इससे जो है काफ़ी जो बेरोजगारी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार जो है सपा की सरकार आएगी, हम लोग सपा को वोट देंगे जी। सपा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा सरकार में गुंडाराज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में गुंडाराज समाजवादी पार्टी सरकार में बढ़ जाता है? ये तो सर कहने की बात है, कहने को भारतीय जनता पार्टी कहती है गुंडाराज आ जाते हैं, और ये तो हर सरकार का अपना अपना वो नज़रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जैसी सरकार चलाए हैं, इसलिए जनता भी जानती है, सभी जानते हैं, ऐसी जो है उन्होंने इतना विकास का कार्य किया है जी। तो किसको वोट देंगे इस बार? सर हम तो अखिलेश यादव जी को वोट देंगे, सपा को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा नाम है मेरा। क्या लगता है 2022 में कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है? चांसेस तो ज़्यादातर सपा का ही है। क्यों है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उनके राज में भी तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बेनिफिट मिला है, और मेरे हिसाब से तो बेटर है, सपा ही बेटर है। अखिलेश यादव के वो कौन से 4 ऐसे काम हैं जो आप उंगलियों पर गिना सकते हैं? उनके तो पहले तो विकास आ जाए, मेट्रो तो उन्होंने ही उद्घाटन किया था, अपना नाम करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं सामने, मेट्रो विकास और काफ़ी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करते रहते हैं। शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो तो है ही है शिक्षा पे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, लगातार राजधानी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार विकास करते जा रहे हैं, चाहे वो गंगा को लेकर हो, प्रदूषण पे भी काफ़ी नियंत्रण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार ने सिर्फ 4 साल वेस्ट किए हैं, तो किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? देखते तो ऐसे हैं कि कोई भी सरकार आएगा तो अपने तरफ से ही हर चीज़ पे इन चीज़ों पे फोकस करेगा, बट वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, और सरकार तो दोनों तरफ से फोकस देगा, प्रदूषण पे भी ध्यान देगा, और चाहे सपा हो चाहे फिर बीजेपी हो, वो दोनों पे फोकस देगा, मगर मेरे ख्याल से सपा आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। जिस तरह से लोगों का साफ तौर से कहना है, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर लोगों में नाराज़गी है, लोगों में रोष है, और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं लोग एक तरह से खुश हैं, लेकिन जो हवा का रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन विराजमान होता है। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।